नमस्कार, स्वागत है आपका मिनट्स मास्टरी सीरीज में, जहां लाए हैं छोटी छोटी लेकिन जरूरी बातें जो आपके करियर और जीवन में नई रोशनी डालेंगी। आज हम बात करेंगे इनोवेशन और कंस्ट्रक्टिव चेंज की, और इस सफर को समझेंगे एक रियल लाइफ कहानी के जरिए, फॉसबरी फ्लॉप। क्या आपने कभी हाई जंप का खेल देखा है? पहले जमाने में एथलीट्स हाई जंप के लिए सिजर्स या स्ट्रैडल जैसे ट्रेडिशनल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन कभी कभी असली ब्रेक थ्रू तब होता है जब आप पुरानी राहें छोड़कर कुछ नया सोचते हैं। डिक फॉसबरी एक हाई जंपर था जिसने शुरू में ट्रेडिशनल मेथड्स फॉलो किए, लेकिन जब उनका प्रोग्रेस रुक गया तो उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि फॉसबरी ने एक नई टेक्निक को ट्राई करना शुरू किया, अपनी पीठ को झुका के बार के ऊपर से उल्टा कूदना। जब लोगों ने उन्हें पहली बार ऐसे जंप करते देखा तो सबने मजाक उड़ाते हुए कहा, यह तो एक मछली है जो बोट में तड़प रही है। लेकिन 1968 के ओलंपिक्स में फॉसबरी ने गोल्ड मेडल जीत के सबको गलत साबित कर दिया। उन्होंने एक नए ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ अपनी नई टेक्निक को दुनिया के सामने रखा, फॉसबरी फ्लॉप। तो इनोवेशन का मतलब है नए तरीकों को ढूंढना, चाहे लोग पहले आपकी बात का मजाक उड़ाएं। असली विनर्स वही होते हैं जो इन डाउट्स को फेस करके नई राहें बनाते हैं और पुराने तरीकों को चेंज करते हैं, जैसे फॉसबरी ने किया। वैसे ही हमें भी अपनी लाइफ के हर क्षेत्र में, चाहे वो काम हो, घर हो या रिश्तों की बात हो, परिवर्तन को समझना चाहिए और नए तरीके को ट्राई करना चाहिए। तो याद रहे, इनोवेट, चेंज और सक्सीड करने का एक ही रास्ता है। अलग सोचिए, अपनी सोच को बढ़ाते रहिए और नए चैलेंजेस को गले लगाइए। ऐसी रोचक, उपयोगी और कार्य क्षेत्र में काम आने वाली जानकारी के लिए देखते रहें मिनट्स मास्टरी हिंदी और अंग्रेजी में। ज्ञान है तो ग्रोथ है।